10 तारीख के घटना के बाद पूरी जो रांची है वो सहम सी गई है, और जिस तरह से रांची के मेन रोड में घटना हुई और वो काफ़ी दुखद था, और जिसको लेकर जो है एक रांची वासियों में भय भी बन गया है, और उसके बाद लगातार जो है घटना होते गए। 10 तारीख के घटना के बाद रात में फिर जो रांची स्थित हिंदपीढ़ी में जो मंदिर है वहाँ भी हमला किया गया, और अभी तक उसके निशान आप देख सकते हैं। यहाँ रात के वक्त करीब 2 से 3 बजे पेट्रोल बम से हमला किया गया था, जिसके निशान आज भी बयां कर रहे हैं कि जो हमला था कितना बड़ा होगा। हालांकि अभी तक जो मुजरिम है प्रशासन के पकड़ से बाहर हैं, और अभी हम हिंदपीढ़ी में स्थित हैं, और उसी के बाद घटना के ही दिन समाज सेवी भैरव सिंह जी के भी घर पर हमला हुआ और उन्हें जान से भी मारने की धमकी दी जा रही थी। फिलहाल उनकी जो सुरक्षा है बढ़ा दी गई है, और जितने भी हिंदपीढ़ी में मंदिर है प्रशासन ने उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी है। हमारे साथ समाज सेवी भैरव सिंह जी उपस्थित है, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ था 10 तारीख की रात को। भैरव जी, क्या कुछ हुआ था 10 तारीख के रात के? 10 तारीख को दिन में आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व इससे अवगत हो गया है कि झारखंड नहीं अभी तो 14 राज्यों में इस प्रकार की घटना घटी थी, जब दोपहर का नमाज के बाद सभी दंगाई एक साथ निकल कर रोड में उतरे थे और 14 राज्यों को जलाने का प्रयास किया गया, जिसमें भी रांची भी एक प्रमुख रूप से था, जहां मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर में पथराव किए गए, प्रशासन के ऊपर आतंकवादियों के द्वारा गोलीबारी की गई, जिसका प्रशासन ने रांची को जलने से बचाने के लिए एक उचित निर्णय लिया और रांची को जलने से बचा लिया। क्या कारण है लगातार आपको धमकियाँ मिल रही है, लगातार एक साजिश रची जा रही है? ये पहली बार तो नहीं है, 2019 में भी मैंने डेली मार्केट थाने में इसको लेकर FIR दर्ज कराई थी, और उसके पहले ही लगातार 2014 से ही लगातार मुझे जान से मारने की धमकियां दी जाती है। मैं ऐसे सतर्कता बरतता हूं, और इसका मूल कारण यही है कि मैं समाज को जागरूक करने का काम करता हूं, राष्ट्र की संप्रभुता को लेकर के समर्पित रहता हूँ, राष्ट्र की एकता अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के आवाज़ उठाते रहता हूँ, और अपने धर्म हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करता हूँ, या देश विरोधियों को रास नहीं आती। राजस्थान में जिस तरह से घटना हुई उसके बाद रांची स्थित आपके आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं इसे? उस दिन मंदिर में हमले के साथ साथ मेरे घर में भी हमला हुआ था, जिसमें भारी मात्रा में पत्थरबाजी हुई थी, घर के बाहर गोलियां चलाई गई थी, और नारा भी लग रहा था कि निकलो भैरव सिंह, तुमको तुम्हारे पूरे परिवार को काट दिया जाएगा, और भी धार्मिक नारे लगाते हुए गाली गलौज भी हो रहा था। तो इसका मूल कारण मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने धर्म के प्रति अपने देश के प्रति समर्पित रहता हूँ, लोगों को जहाँ आवश्यकता पड़ती है मैं वहाँ पहुँचने का प्रयास करता हूँ, इस कारण ये घटना घटी थी। और उसी दिन आप जिस मंदिर से अभी टेलीकास्ट कर रहे हैं उसी मंदिर में आप देख सकते हैं कि रात को उसी दिन रात 10 तारीख को रात को 3 बजे इस मंदिर में बम चलाया गया था, जिसका फुटेज भी पुलिस प्रशासन और मीडिया सभी के पास है, मंदिर का भी जर्जर स्थिति हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के दिन ना तो हिंदू सुरक्षित है, ना उनका घर सुरक्षित है, ना हिंदू के जो धर्म स्थल है वो सुरक्षित है। क्या कुछ आश्वासन मिला है प्रशासन की ओर से? अभी तो फिलहाल आपके घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या यह सुरक्षा हमेशा के लिए रहेगी या कुछ वक्त के लिए रहेगी? जी नहीं, हमेशा के लिए कहाँ से सुरक्षा रह पाएगी, प्रशासन भी एक सीमित संख्या में है और उसको पूरे राज्य का चिंता करना पड़ता है, तो हाँ अभी कुछ दिन तक जब तक माहौल गर्म है तब तक तो मुझे विश्वास है कि सुरक्षा मेरे घर के बाहर में जो प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लगाई गई है वह कुछ दिन अभी रहेगी। क्या लगता है कि निजी तौर पर भी भैरव सिंह जो जी को खतरा है इन चीज़ों से लेकर? जी देखिए, खतरा है कि नहीं है ये तो प्रशासन और उनके गुप्तचर लोग जाने कि मुझे खतरा है कि नहीं, मैं अपने आप को भयभीत और डरा हुआ नहीं मानता हूँ, और अगर कोई खतरा आता है तो मैं स्वयं उसका सामना करने में सक्षम हूँ। लेकिन मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली है कि 50 से अधिक संगठनों ने मेरे सुरक्षा को लेकर के DC सर, SSP सर और भी केंद्र में भी कुछ लेटर गए हुए हैं, तो उनका प्रेम है
कि वो लोग मेरी सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने लिख करके दिया है। इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि जितने भी संगठन हैं, विभिन्न संगठन हैं, आपकी सुरक्षा को लेकर, आपकी निजी सुरक्षा को लेकर उन्होंने आवेदन डीसी को भी दे रखा है, उसके अलावा केंद्र को भी सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। तो इस चीज़ पर भैरव जी का क्या कहना है? ये तो उनका प्रेम है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, उनसे मेरा इस प्रकार का संबंध है और उनको ऐसा लगता है कि मेरे माध्यम से समाज में सुव्यवस्था फैल सकती है और समाज सुदृढ़ हो सकता है, संगठित हो सकता है, इस कारण मुझे लेकर के वो चिंतित है, इसीलिए उन्होंने गुहार लगाई है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे अभी तक कोई सुरक्षा की मांग नहीं की है कि मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए, लेकिन जो लोगों ने मेरे प्रति सुरक्षा की मांग की है मैं उनका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ उनका। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हुए थे समाज सेवी भैरव सिंह जी, और मैं दिखाना चाहता हूँ अभी शंकर जी के मंदिर में, जहाँ पिछले दिनों जो है 10 तारीख की रात को हमला हुआ था, और यह भैरव सिंह जी के घर के निकट में ही है। फिलहाल यहाँ जो पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसके अलावा जो भैरव सिंह जी हैं उनके घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।